नमस्कार बच्चों, आज हम वस्तुओं को गिनते हैं और गिनकर देखते हैं कि किस प्रकार से आपने गिनती या संख्याओं को लिखना है, कैसे संख्याओं को समझना है। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने वीडियो को पूरी देखना है। अगर आप संख्याओं को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए गिनते हैं इनको, सिक्स को। कितने बच्चों, एक। कैसे लिखेंगे इसको, लिखने के लिए आपके पास अंक है एक। अब कितने होंगे मेरे पास, दो। लिखने के लिए ये अंक रहे। अब तीन, इसको लिख दिया ऐसे। ये कितने होंगे बच्चों, चार। अब कितने होंगे बच्चों मेरे पास, वन टू थ्री फोर फाइव। फाइव को हम ऐसे लिखते हैं, बताइए आपको ये तो। अब कितने होंगे मेरे पास, सिक्स। अब कितने होंगे बच्चों, सेवन। एक और मिला दी, आठ। एक और मिला देंगे, नौ। एक और मिला देंगे, दस। एक और मिला देंगे, ग्यारह। या गया, अरे ये तो बहुत सारी संख्याएं हो गई। ऐसे तो हम गिनते जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी, ये कैसे कैसे करेंगे, तो बहुत सारे आ गया ऐसे। देखो ये बहुत सारे आ गया बच्चों। इनको गिनने के लिए हम इनके बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, इनके बंडल। चलो बनाए बंडल, आओ बच्चों को गिने, यानी कि दस में। दस में कैसे, दस को हम इस प्रकार से, दस का हम एक ये बंडल बनाएंगे, दस वस्तुओं का। दस वस्तुएं बराबर है एक बंडल, यानी कि दस वस्तुओं को हमने बंडलों में बांध देना है। कैसे बांधेंगे देखते हैं। जैसे ये हमारे पास गिनती थी, गिनती मैंने बताई अभी आपको, तो दस का हमने क्या बना दिया बच्चों, ये दस का हमारा बस आ गया एक बंडल और ये एक वस्तु खुली। अब कितनी हो गई, दस ये और एक ये, कितनी हो गई बच्चों, ग्यारह हो गई। तो दस बंडल को क्या लिखेंगे हम, दस वस्तुएं बराबर है एक बंडल। एक बंडल और वस्तु कितनी है, एक। इस प्रकार से ग्यारह को हम लिखेंगे, ये लिखा हुआ है आपके पास। अब जब दो वस्तु आ गई तो देखो, दस इसको, दस को ऐसे, दस ये और दो वस्तुएं ऐसे लिखना बच्चों, क्योंकि दस वस्तुओं को तो हमने बांध दिया है, बांध कर एक बंडल बना दिया और दो वस्तुएं खुली हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, दस का एक बंडल और दो खुली वस्तुएं, ये लिखा हुआ है आपके सामने। और ये दस के हाथ तीन, यानी कि दस का एक बंडल और तीन खुली वस्तुएं और चार हो जाएंगी, तो एक बंडल और चार खुली वस्तुएं। आओ स्नेहा के कंचे गिनते हैं, चलो गिनते हैं स्नेहा के कंचे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन। स्नेहा के पास कितने कंचे हैं बच्चों, एक बार दोबारा हिंदी में गिनते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, सेवनटीन कंचे हैं उसके पास। सेवनटीन लिखाते हैं आपको, इनको दस में गिन कर एक बंडल बनाओ। चलो गिनते हैं, बंडल बनाते हैं, इसके अंदर दस कंचे डाल दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। देखो ये दो यहाँ से, दो ये दस कंचे मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब खुले कितने बच गए बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छ सात। तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, दस का बन गया हमारे पास एक बंडल लिया और खुली कितनी है सात, तो इस प्रकार से हमारे पास कितना आ गया, सत्रह। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, सेवनटीन। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, सेवनटीन। और आगे प्राची देखते हैं, ये प्राची कंचे देखते हैं, चलो गिनते हैं प्राची कंचे, एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन। इन कंचों को हम टेन टेन के बंडल बनाएंगे। चलो बनाते हैं बच्चों, इसके अंदर कितने डाल दें आपने, गिन गिन के टेन डाल दो, वन टू, देखो ये टू डाल दिए, ये टू डाल दिए, ये टू डाल दिए, ये टू डाल दिए, ये टू डाल दिए। अब दस तो पूरे हो गए, अब अगले डालेंगे, ये टू डाल दिए इसमें, ये टू यहाँ पे डाल दिए, ये टू यहाँ पे डाल दिए, ये दो यहाँ पे डाल दिए, अभी आठ ही हुए ना, ये दो यहाँ पे डाल दिए और खुला कितना बच गया, एक। अब कितने बन गए बच्चों, दो बंडल और एक खुला, दो बंडल और एक खुला। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको,
21 ये आपको पता ही है, 21 ई क ई स 21 यानी कि 21, 20 ये पूरे और 1 खुला। इस प्रकार से हम संख्याओं को लिखते और पढ़ते हैं। देखो ये खुशबू ने तो कंचों की पहले ही ढेरी बनाई हुई है। चलो पता लगाते हैं खुशबू के पास कितने कंचे हैं, यहाँ पे कितने कंचे बच्चों, एक बंडल कितने का बना, 10 का, 10 यहाँ पे एक बंडल है ना, 10 और 10 20 और 10 30, 30 और 2 32 यानी कि 3 बंडल और 2 खुले। इस प्रकार क्या पढ़ेंगे इसको, 32 क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 32। आओ हम इस प्रकार के संख्याओं को लिखना तो आपको आता ही है, संख्याओं को इस प्रकार की संख्याओं को और अधिक विस्तार से हम समझते हैं। 10-10 के बंडल आपने बनाने हैं और लिखने हैं बस। बच्चे कितना लिखा मैंने, कितना लिखा बच्चों मैंने, ये लिखा है 2, इसमें बंडल कितने हैं, 2 बंडल, ये देखो ये 2 बंडल और खुले बस्ते कितनी है, 4, ये देखो 24 यानी कि यहाँ पर जो अंक होता है ये खुली वस्तु का होता है और ये किसका होता है, बंडल का। अब तक तो आप ये जान ही गए होंगे। अच्छा बच्चों देखो 10 वस्तुएं बराबर है एक बंडल, आप बता सकते हैं 3 बंडल बराबर है कितनी वस्तुएं आएंगी, 3 बंडल में एक बंडल, 2 बंडल और 3 बंडल, 3 बंडल मतलब 30 वस्तुएं, 5 बंडल मतलब 10-10 के 5 बंडल, ये 2 लगते हैं इनके अंदर, अब कितने बंडल हो गए, 5 बंडल, 5 बंडल मतलब 50 वस्तुएं। और खुली वस्तुओं को साथ में लिख लेते हैं। अब जैसे मेरे पास 5 बंडल और 2 खुली वस्तुएं, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। प्यारे बच्चों 5 बंडल हैं तो बंडल कहाँ आते हैं, ये बंडल इसमें आए और ये खुली वस्तुएं 2 हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, 50 बंडल और 5 बंडल और 2 खुली वस्तुएं, जबकि ये क्या है हमारा, ये 2 बंडल और 5 खुली वस्तुएं हैं, इसको पढ़ते हैं हम 25 यानी कि 25 और ये कितना बच्चों 52 यानी कि 52। हिंदी में आप एक बार सभी संख्याओं को याद कर लेंगे, याद करने के बाद आप इन संख्याओं को, केवल हमारे पास 9 ही अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 0, आपके सारे अंक इन्हीं से बनते हैं बच्चों, आप जानते हैं। 13 कैसे मिलेगा, 13 कैसे मिलेगा हमारा, 13 1 और 3, ये 1 लगा दिया यहाँ पे और ये 3 लगा दिया यहाँ पे, कितना बन गया हमारा 13। और ये 31 कैसे बनेगा, 3 यहाँ लगा दिया और 1 यहाँ लगा दिया, तो 13 में और 31 में क्या डिफरेंस है बच्चों, इसको समझना आपने। 13 तो 13 वस्तुएं हैं, अगर हम वस्तुओं गिने तो देखो ये हमारे पास 13 थिंग्स है, एक बंडल और 3 खुली वस्तुएं, ये 13 है और 31 कितना होता है, 3 बंडल हैं 10-10 के और एक खुली वस्तु, तो इस प्रकार से इसमें 3 खुली वस्तुएं हैं और इसमें केवल एक खुली वस्तु है। यहाँ से आपने इस प्रकार से गिनती की अवधारणा को समझना है, संख्याओं को समझना है और संख्याओं को समझकर संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखने का आपने अभ्यास करना है। आपने कंकड़ों की सहायता से संख्याओं की मालाएं बनानी है और फिर गिनतियों को करना है। धन्यवाद।